हेलो देयर, वेलकम बैक टू द चैनल। और आप देख रहे हैं एजे फीफा और स्वागत है आपको मेरे चैनल में। तो आज हम खेलने वाले हैं एक और नया एपिसोड बिकम अ लेजेंड मोड का, फीफा नहीं पेस 2021 से। यस, तो लास्ट टाइम के एपिसोड में आपने देखा था कि हमने एक मैच जो है चैंपियंस लीग का खेला था, जो हमने एक गोल से जीता था, और बाकी के कुछ एक मैच थे जो इंटरनेशनल खेले थे। तो आज भी हम इसको अनकट ही करने वाले हैं और पूरा मैं आपको दिखाने वाला हूँ गेम प्ले। तो जो नेक्स्ट मैच होने वाला है वो है रियल बेटिस के साथ आई थिंक, और ये होने वाला है लालिगा के मैच। और ये मैच इसको जीतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर हम चाहते हैं कि जब हम यहाँ पे आएँ और परफॉर्मेंस हमारी तगड़ी रहे और टीम भी जो है जीतती रहे। तो उसके लिए भाई साहब ये सब मैचेस में परफॉर्मेंस देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि पेस के एपिसोड भी ऐसे कंटिन्यू लाते रहो, तो यार फटाफट इस वीडियो के नीचे धमाकेदार लाइक ठोक दें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो के नीचे अगर फर्स्ट टाइम या विजिट कर रहे हो, पहली बार आप ये वीडियो देख रहे हो, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब का बटन भी दबाई देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन जो आपको सबसे पहले आती रहे। और अब चलते हैं मैच की तरफ विदाउट वेस्टिंग टाइम। रियल मैड्रिड ने एंट्री ले ली थी और कुछ एक मैचेस अच्छे भी गए थे हमारे, लेकिन कुछ एक मैचेस में हम गोल स्कोर नहीं कर पाए थे, तो जहां पे थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी। लेकिन मुझे लगता टीम मैनेजमेंट उस बारे में ज़्यादा ख्याल देगी, उनको पता कि काफ़ी महंगा प्लेयर हमने परचेज किया है, तो वो ट्राई करेंगे जितने ज़्यादा हो सके मैचेस में हमको चांस देने की ट्राई करेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे कि कम चांस दिया जाए और थोड़ा कम उसमें कुछ मतलब उनको पोटेंशियल ना दिखे, तो ऐसा नहीं हो सकता। और लास्ट टाइम मैंने इस कैमरा एंगल के लिए बात की थी, तो बहुत सारे लोगों ने कहा था कि ये कैमरा एंगल मत रखो, जो कैमरा एंगल एग्जैक्टली है वो वाला ही रखो। तो मैं यहीं से जो है कैमरा सेटिंग चेंज कर देते हैं और इसको ला लेते हैं हम लाइव ब्रॉडकास्ट, या डायनामिक वाइड भी अच्छा रहता है तो डायनामिक वाइड में रख लेते हैं। अगर आपको लगता है इसमें थोड़े चेंजेस करने हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं नीचे। ओके, तो यहाँ पे मैं पहले बता दूं कि मैं सिर्फ अपने प्लेयर को ही कंट्रोल करता हूँ, बाकी किसी को मैं कंट्रोल कर नहीं सकता हूँ यहाँ पे, जैसे कि आप देख सकते हैं। ओके, मैंने गलत बॉल कॉल की थी शायद। अच्छा, डायनामिक वाइड मतलब ये ऐसे स्टिक रहेगा शायद, ज़्यादा मेरी तरफ से नहीं चल रहा है ऐसा लग रहा है मुझे, लेकिन देखते हैं। तो हम कैमरा एंगल चेंज करते रहेंगे, डोंट वरी, आप मुझे बताते रहोगे कौन सा कैमरा एंगल के साथ खेलना है। ओके, तो ये बॉल के ट्रेल के साथ करते रहेंगे हम। गिव मी द बॉल भाई। एक तो इनकी यूनिफॉर्म दोनों की वाइट वाइट ही दिख रही है मेरे को, तो कुछ समझ नहीं आ रहा है एग्जैक्टली कौन सी वाली है। ओके, गिव मी बॉल ब्रो। ये ले भाई। अरे नहीं यार, अब तो बॉल थी, अब तो बनी हुई थी, बॉल खराब कर दी भाई बंदे ने इसने। ओके, कोई बात नहीं। और यहाँ पे जो है ना हाफ टाइम काफ़ी कम रखा हमने शॉट, तो फटाफट अगर गोल नहीं निकला है तो हमारे फिर लग जाते हैं। ओके भाई, दे बॉल। अब क्रॉस तो किया था मैंने, लेकिन कुछ गलत क्रॉस कर दिया जिसकी वजह से कुछ फ़ायदा हुआ नहीं उसका। ओके, ये दे भाई बॉल यहाँ से। ओरे, और मैंने बोला था ना प्लेयर की एफिशिएंसी तगड़ी है हमारी, मतलब ले सकता हूँ मैं लॉन्ग रेंज शूट। ओ, पहले वाला ज़्यादा ज़बरदस्त था, वो जो एकदम साइड बॉल पे लगा वो ज़्यादा ज़बरदस्त था, मतलब हिल गया होगा गोलकीपर, कहाँ से आई बॉल, गोल हो जाना चाहिए तो मज़ा आता है, लेकिन गोल हुआ नहीं। वो कोई बात नहीं, देखते हैं और भी ज़्यादा चांस बनाने की ट्राई करेंगे हम। अब तो हम रियल मैड्रिड में खेल रहे हैं भाई साहब, टॉप क्लब हो गया अब तो ये। नहीं, इसके पहले मैंने बहुत अच्छे अच्छे क्लब्स में खेला हुआ है, लेकिन तब हमारी रेटिंग उतनी अच्छी नहीं थी एक्चुअली, लेकिन अब हमारी रेटिंग काफ़ी अच्छी है। तो मे बी हम कुछ। ओ भाई, तीन तीन हो गए अब तो मेरे पीछे यार। अब मैं सुपरमैन तो हूँ नहीं इतनी रेटिंग के बाद भी, पर मैंने थोड़ा सा अगर बॉल कंट्रोल कर लेता ना शायद पहले, तो शायद मैं रह पाता था बॉल मेरे पास, लेकिन ऐसा मैं कुछ किया नहीं, मैं भी कुछ ज़्यादा ही सर्कस के चक्कर में आ गया। ओके भाई, गुड डिफेंस, गुड वेरी गुड, और भी डिफेंस करो ताकि बॉल हमारे पास आती रहे। ओ शुक्र है, लगा हमारे ऊपर गोल ना हो जाए। उसका नाम क्या है, बक्का बक्का या बच्चा, चलो वो भी होगा भाई। कहाँ फेंक दी। ओके, ले ले यार, ही नहीं ले तू। अरे भाई साहब, ये क्या कर रहे भाई, ये तो गलत बात है यार, कहीं भी बॉल मत फेंको यार। ओके ओके ओके, देखते हैं। और ये अटैक पे रियल बेटिस की टीम यहाँ से, और बहुत ही बढ़िया मूव, क्या बात है भाई, रियल मैड्रिड के प्लेयर्स को तो घुमा रहा वो फकीर, नाम है फकीर। ओके ओके ओके, विलियम माय बॉय, वेयर आर यू गोइंग। ले ले, अरे यार ले ले भाई बॉल, ले ले प्लीज़, ले लो यार, क्या डिफेंस कर रहे हैं हमारे, कुछ अलग ही लेवल पे डिफेंस। ओ वो बॉल अच्छा था वैसे, ऐसी बात नहीं है। तो फर्स्ट हाफ का एंड यहाँ पे हो चुका है, जैसे मैंने आपको कहा था कि बहुत जल्दी जल्दी सब होता है काम, तो बहुत जल्दी हो चुका है। रियल बेटिस ने भी काफ़ी ट्राई की और हमने तो एक कतई जहर जबरदस्त वाली ट्राई की थी, लेकिन वो गोल हो नहीं पाया, मतलब
बहुत बहुत ज़्यादा दुख है हमको इस बात का, लेकिन अब दुख को जाहिर कहाँ करेंगे, इस दुख को निकालेंगे हम यहाँ मैच जीतने की ट्राई करेंगे, ड्रॉ नहीं करना है। तो मैं अभी चीता बन जाऊँगा, एकदम चीता चीता जो किसी को नहीं पीता। छंड दो यार, क्या फालतू रैम बना रहा हूँ अभी। ओके बॉल तो मिले तो मैं कुछ करूँ, बॉल ही नहीं मिल रही भाई। रियल बेटिस वाले बिल्कुल भी चाल नहीं दे रहे, बॉल पोजीशन उनके पास काफ़ी अच्छी है और हमारे टीम वालों के पास बॉल आ रही तो कहीं इधर उधर मार रहे हैं पगले जैसे। ओ ले ले भाई ले ले, ओहो क्या बात है, ज़बरदस्त। और सेंटर से हमारा खाली मूवमेंट लग रहा है, कहीं गोल ना पड़ जाए यहाँ से। ले ले भाई बॉल, बहुत बढ़िया। इधर इधर आजा, कहाँ जा रहा भैया तू। ये ले भाई, अबे दे देना वापस, जाने दे। अब मेरा यहाँ से अगर बॉल मिला होता ना अच्छे से तो बहुत बाहर चले गए हम पहले ही बॉल लेने के चक्कर में। अरे भाई दे दे फाउल यार, फ्री किक मिलती थी, दिया नहीं बंदे ने। पर उसने बोला अरे झूठ मूठ की एक्टिंग कर रहे हो तुम, झूठ मूठ की, इसलिए कोई बात नहीं, ढूंढते रहेंगे हम एक आध चांस तो बनेगा जहाँ पे हम कमाल करेंगे, ऐसी बात नहीं है। ओ भाई ले ले बॉल, गुड बॉल। अभी कहाँ छोड़ रहा यार, सेंटर में चाहिए था बॉल। अब तो मैं अंधाधुन ट्राई कर रहा हूँ, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है टाइम खत्म होने वाला और हम कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी मतलब कुछ भी। ओ कम ऑन, पाउल बजा दिया था उसने, वैसे दे ही दिया, मुझे लगा ही एडवांटेज उस तरफ देखा, इतनी ज़ोर से नहीं था यार, क्यों दिया मुझे समझ नहीं आ रहा यार, लगा था कि इतनी ज़ोर से देखना पड़ेगा, नहीं था यार, खुद ही एक्टिंग कर रहा भाई ये, क्यों दे दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए। ओके देखते हैं देखते हैं। ओके 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 भाई पहुंच जा, अरे यार ओ ये तो ठीक है, बताओ बाहर भी नहीं गई और हमारे प्लेयर ने बॉल भी नहीं ली, मतलब लूज बॉल था वो भी नहीं लिया। ओके ये बढ़िया बॉल है, छोड़ दे भाई, ले भाई ले, भाग भाग जा चीते भाग जा। ये हुई ना कुछ बात, मैंने कहा प्लेयर मेरा कतई जबरदस्त है, जैर लौंडा है, कभी कुछ भी कमाल कर सकता है, कोई डाउट ही नहीं है। ये बात हुई ना कुछ, इसलिए तो भाई इतना इतना मतलब यंग बंदा है, हमने दाढ़ी वाड़ी सब उड़ा दी इसकी, बहुत सारे लोग रहे थे भाई इसकी शेव करवाओ, इसकी बियर्ड रखवाओ वापस, मैं यार नहीं यार ऐसे ही रखेंगे इसको, बियर वियर नहीं करवाएंगे इसकी, तो वो बियर्ड जो भी थी इसकी हमने उड़ा दी है। तो भाई बंदा हमारा एकदम यंग लग रहा है और एकदम कतई जहर, मतलब अभी और 5-6 साल खेल सकता है ऐसा लग रहा है मुझे। ओ भाई यार सोच रहा काफ़ी देर से चांस बनाने की ट्राई करता लेकिन बॉल वैसे मिल ही रही थी, मतलब ज़बरदस्ती करता है, तो प्रेशर मतलब हो चुका था थोड़ा सा डिफेंस के ऊपर, जब थोड़ा मूव और करता तो शायद ये बॉल ले भी लेते, इससे मैं ज़्यादा मूव करने की ट्राई नहीं की। जैसे बॉल मुझे यहाँ पे मिला वैसे ही मैंने उसको ट्राई किया पुट करने का, और फिलहाल मेरे दोनों ही पैरों में ज़बरदस्त जान थी और काफ़ी बाहर था बॉल, लेकिन फिर भी बॉल गोल पोस्ट के अंदर तो आई गया, और तो यही हम चाहते थे, और ये चाहिए थी हमको बात भाई साहब फाइनली। तो एक गोल की लीड तो हो चुकी है हमारे पास और काफ़ी सारे चेंजेस जो है जितने जिदान ने कर दिए भाई साहब, जूनियर को बाहर भेज दिया और भाई जल्दी जाओ जाने दे उनको, तो नहीं लगे मुझे ज़्यादा बोर लग रहा है अब तो, इतने टाइम ले रहा है तो बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है। ओके भाई हो गया तालियां बजा के, ठीक है चलो। ओके भाई क्या तू तो मतलब एंड हो गया क्या तेरा। ओके फिर से एक बॉल मिले तो एक चांस क्रिएट हो सकता है हमारे पास। नहीं, मैं ज़्यादा डिफेंस की तरफ जा ही नहीं रहा, मेरे को जहाँ से हो रहा ना बॉल मिलने की बस वही ट्राई कर रहा हूँ कि बॉल मिल जाए और मैं अटैक पे ही रहूँ, कोई डिफेंस डिफेंस का। ओहो भाई ये लोग भी पूरी ट्राई करेंगे गोल निकालने की, देखो बहुत ही बढ़िया जगह मूव था। ओह दो दो तीन तीन प्लेयर चके हुए थे भाई, दे दे बॉल अब ज़्यादा खिला मत उसको। ओके ले भाई बढ़िया बॉल है, दे दे बॉल, लॉन्ग रेंज शॉट, और अरे यार मैं कब से ट्राई कर रहा हूँ एक लॉन्ग रेंज शॉट लगाने की, बहुत ही बढ़िया शॉट था ये, लेकिन अनफॉर्चुनेटली गोल में कहाँ नहीं गया, कहाँ गड़बड़ कर दी मैंने, ठीक तो था कहाँ, वो थोड़ा और सीधा चाहिए था। कोई बात नहीं भाई ट्राई बढ़िया की तूने, कोई बात नहीं, कतई खुश है हम इस ट्राई से, बहुत बढ़िया। ओके थोड़ा सा टाइम बचा है लेकिन अगर इस टाइम में भी हमको चांस मिलेगा तो हम ट्राई तो जरूर करेंगे भाई। ओके ओके ले ले भाई ले ले, गुड डिफेंस, एक ही गोल है हमारे पास, कभी भी हमारे लग सकते हैं, तो इसलिए हम नहीं चाहते कि ऐसा कुछ गड़बड़ हो और ये जो एक गोल हमने स्कोर किया ये भी चला जाए, बहुत बढ़िया।
ओके ओए भाई इतना क्या हो गया, ये ले भाई बहुत बढ़िया बॉल है, बॉल मरवा मत देना बस छोड़ दे, ये ले सेंटर में बॉल है भाई शूट, कमाल करते हो यार टांगे तोड़ दी एक दूसरे की पर, गोल नहीं स्कोर करा बताओ, तो एक गोल से नहीं ये मैच जीता और ये गोल भी कैसे आया, तुमको पूरा मिल चुका है मैच का पूरा जो भी तुम देखना चाहते थे, बहुत सारे लोग थे कभी कट होता तो पता नहीं चलता है कि एग्जैक्टली वहाँ पे हुआ क्या, लेकिन सर्जियो रैमोस तो बहुत खुश है कि भाई एक गोल लगा के हमने ये मैच जीत लिया रियल बेटिस से और फाइनली एक गोल की लीड के साथ जो हमने सब कुछ किया, लेकिन दूर हमको ऐसा लग भी रहा था कि रियल बेटिस भी काफ़ी अच्छे टाइम से स्कोर कर ही सकती थी, मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि वो स्कोर नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ा डिफेंस जो है लास्ट टाइम पे काफ़ी अच्छा खेल गया ऐसा मुझे लगता है, अगर थोड़ा सी भी गड़बड़ होती तो हम कहीं ना वहीं यहाँ वहीं कहीं चलते थे। एटलेटिको मैड्रिड हार गई है आरसी सेल्टा वीगो से 3 गोल से वो भाई साहब, और रियल सर्जियोस 2-2, वैलेंसिया भी ड्रॉ खेल गई है, तो फिलहाल नंबर 4 की पोजीशन में चल रहे हैं, सबसे ऊपर चल रही है बार्सिलोना बिकॉज उन्होंने 3 विन कर लिए हैं और हमने एक ड्रॉ खेला था जिसकी वजह से गड़बड़ हो गई है, तो देखते हैं नेक्स्ट मैच में क्या होता है, अगर नेक्स्ट मैच में हमको चांस मिलता है गोल स्कोर करने के तो हम तो 100% ट्राई करेंगे गोल स्कोर हो हमारे वहाँ पे। ओके नेशनल टीम स्क्वाड अनाउंस हो गया है, नेक्स्ट मुझे इस समय वेस्ट नहीं करना है टाइम, सीधा मैच की तरफ आना है। ओके 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 आर सी सेल्टी कौन सी है, सेल्टी वेल्टी, नेक्स्ट मैच विदाउट वेस्टिंग ए टाइम सेल्टा वीगो, आई थिंक यही वो टीम है जिन्होंने आई थिंक नंबर 2 पे चल रही है जहाँ तक मैं गलत ना हूँ, नंबर 2 पे शायद चल रही है और यही टीम ने शायद अभी ड्रॉ खेला या हराया उन्होंने किसी टीम को, शायद एथलेटिको मैड्रिड को हराने वाली शायद यही टीम है, मैं पता नहीं मैं सही हूँ गलत हूँ, मैंने ये पढ़ा तो था हो सकता है वही है शायद, देखते हैं। ओके डे का मैच है तो बहुत ज़्यादा धूप लगने वाली है, बहुत ज़्यादा धूप जादू वाली। ओके चलो भाई साहब बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं सीधा गेम में, ओके भाई बहुत ज़्यादा धूप है 3-4 बजे का टाइम है क्या ऐसा लग रहा है। ओके 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 हमने ब्लैक किट के साथ आ चुके हैं ग्राउंड पे हम और चाहते हैं कि बॉल हमें मिले, लेकिन बॉल मिलने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। ओ भाई ये टीम तो कुछ कतई जहर लग रही मुझे स्टार्टिंग में ही, आग बरसा रही भाई साहब टीम। ओके ओके ओ काफी क्लोज था ये, गोल होने की संभावना ज्यादा थी यहाँ पे। ओके किसको दिया भाई बॉल, मैं कहा हूँ अच्छा जी ये तो बंदे मतलब कुछ ज्यादा ही तेज लग रहे हैं मुझे। ओके कितने तेज है देखते हैं देखते हैं भाई, लॉन्ग रेंज में ज़्यादा खेल रहे हैं और बॉल फिलहाल हमारे पास पोजीशन अब जाके आई है इतनी देर के बाद, तो अब मुझे लगता है कि पोजीशन का प्रॉपर। ओ भाई 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 दे दे बॉल ले मेरे पास ही दे दो यार, ले अबे यार गलत टाइम पे गलत पास, ये ले भाई helps available out wide, बहुत बढ़िया plenty waiting in the middle, कोई मूवमेंट तो बनेगा नहीं यहां से, अब बनेगा, अरे यार स्लिप कर गया मेरा बंदा, बक स्लिप नहीं करता तो चांस हो सकता था, मतलब ऐसा लगा मुझे शायद जबरदस्ती करने की ट्राई कर रहे थे ऐसा कुछ था कि पता नहीं, लेकिन बना नहीं बॉल वहां पे और चांस जो है खराब हो गया। ओके ओकी डोकी हो गया हमारा, मैंने बॉल खराब किया मेरी वजह से खराब हो गया बॉल खराब हो गया, अरे बॉल चांस बन गया, अरे भाई आगे तो आ जाए यार, आगे भी नहीं आ रहा है इतना क्यों सर मारा है। ओके मिल सकता था ये बॉल मिल सकता था भाई, इनको चांस नहीं देना, एक गोल ढूंढना है हमको कैसे ना कैसे करके, भाई इनकी स्पीड मुझसे ज्यादा है हैं जी, मतलब मेरा प्लेयर थक गया है क्या भाई, अभी तो मैच शुरू हुआ और क्यों थक रहे हो इतनी जल्दी तुम। ओके ओके भाई क्लियर भाई क्लियर, बहुत बढ़िया भाई, ये टीम मुझे कुछ अलग ही लेवल की लग रही है, अब दे ही देता यार सामने बुलाया था मुझे बॉल भी नहीं दी बताओ। अरे भाई भाई ये वाला जो मेरा बंदा है ना ये तो ऐसी बॉलें फेंक रहा है कि, अरे दे देना यार बॉल क्यों नहीं दे रहा ये, कम ऑन
अरे यहाँ दे देता भाई, यहाँ दे देता सेंटर में। फर्स्ट हाफ एंड और सेल्टा वीगो ने भी गोल स्कोर नहीं किया और हमने भी गोल स्कोर नहीं किया, लेकिन टीम काफ़ी बढ़िया लग रही है मुझे, कुछ कतई मतलब अलग ही लेवल का फील आ रहा है इनकी तरफ से। और हमारे एडिडास की जूते तुमको कैसे लगे? जूतों के बारे में तुमने कुछ बताया नहीं, तो जूतों का बताते जाएगा कैसे लग रहे हैं। ओके सेकेंड हाफ की शुरुआत और इनके होम ग्राउंड में मैच हो रहा, तो थोड़ा इनका क्राउड सपोर्ट भी इनको ज़्यादा अच्छा ऐसा लग रहा है मुझे। ओके मैं कहाँ हूँ भाई, बॉल दो मेरे पास। ओके बॉल की तरफ चल जाते हैं अब, ये भाई मेरे पीछे ही नाच रहे हैं, आगे क्यों नहीं बॉल दे रहे हैं। ले भाई बिल्कुल एंड क्रूशियल मोमेंट पे बॉल दिया, ओ गोली मार दिया था मेरे भाई बंदे ने। ओ ये भाई ये क्या था, वो बोरा भाई मेरी क्या गलती है, मैं बॉल निकाल रहा हूँ तुम लोग ध्यान भी नहीं दे रहे, ये हुआ क्या था यहाँ पे एग्जैक्टली। ये देखो बॉल लॉन्ग रेंज था और सीधा गोल में ही जा रहा था, भाई बंदे ने बचाया, इसने हेडर करा उसके सर से। ओ क्या गोल होता था, ये क्या गोल होता था यार, कमॉन हो जाता ना मजा आ जाती। ओके गुड वेरी गुड, अरे आगे खेलो, आगे खेलो यार, जितना आगे खेलोगे उतना अच्छा है, बैक खेलते जाओगे तो प्रॉब्लम होती रहेंगी हमको फिर। अबे आगे तो खेल लो, अरे यार क्या है ये, कम ऑन क्लियर 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 क्लियर। ओके कोई है मेरे साथ, वेरी गुड, मैं तो और भी खराब खेल रहा हूँ, मतलब ये तो खेल ही रहे हैं, मैं उनसे भी ज्यादा खराब खेल रहा हूँ। ओके हो गया काम, ओ जबरदस्त सेव भाई साहब, जबरदस्त सेव, हो गया काम, बहुत बढ़िया पास था ये, तो देखना पड़ेगा रिप्ले, देखो बहुत ही बढ़िया पास और क्या सही मूवमेंट बना था, यहाँ से गोल मिस करके तो गलती कर दी भाई आपने, ये नहीं होना चाहिए था, ये तो गोल होना चाहिए था, लेकिन पता लगा मेरी बात कुछ ज्यादा सीरियस ले रही है और वहाँ पे कॉर्नर से गोल खा रहे हम। ओ लगा ही था मेरे को, शुक्र है भाई घुसा देता इसने बॉल भी, बॉस बच गए। ओके ठीक है भाई, ठीक है क्लियर करो तुम, आगे लाओ बॉल आगे। अरे भाई मेरे प्लेयर को क्या हो गया, बेचारा भाग भी नहीं रहा और कुछ, मैं तो ओ भाई ये क्या था, ये तो गलत बात थी, मतलब सीधा बाहर ही मार दिया। ओके ओ कर दिया, अरे यार कर दिया था काम इसने, बॉल लेना चाहिए था यहाँ पे, बॉल नहीं लिया है। ओके मेरे को लग रहा है गड़बड़ यहाँ पे कुछ होने वाली है हमारे साथ, और मैं ऑफ साइड खड़ा हूँ, बताओ मेरे को लग रहा है कि बॉल खुद ही आ जाएगी, मतलब मैं लाने नहीं जाऊँगा खुद ही। ओहो क्या बात है, बहुत बढ़िया। अरे भाई छोड़ दे बॉल यार, तेरे को भी क्या हो गया, मतलब मैं अभी गलतियाँ कर रहा हूँ। अरे नहीं यार फाउल यार, खुद से गिर गया वो, बहुत ही बदमाश लौंडा है ये, चल ठीक है पूरी गिर गए। कम ऑन थोड़ा सा चांस बचा है, बॉल पोजीशन तो थी हमारे पास लेकिन फिर भी कुछ फ़ायदा हो नहीं रहा है। ओ ओ ओ ओ, ओ एजर्ट भैया कहाँ हो आप, बहुत बढ़िया इतना लेने के बाद बॉल छोड़ ही दिया फाइनली आपने, और यहाँ पे टाइम जो है ना वो बहुत जल्दी जल्दी, भगवान कॉर्नर भी दे दिया हमने इनको, ये कॉर्नर वर्नर से मिलते, अच्छा कॉर्नर नहीं है क्या हुआ है, इसके पास ही लगी क्या बॉल, भाई आगे चल लो अब, क्या पास करता है एकदम मतलब सटीक पास बोलते हैं सटीक भाई, बहुत बढ़िया सेंटर में बॉल दो, अबे दे दो भाई टाइम जा रहा है, हो गया काम खराब, बॉल खराब, हमारे काले कपड़े पहनने गलत हो गया भाई आज, ले ले भाई टाइम खा रहा है वो, एक और ड्रॉ खेलेंगे तो ऊपर नहीं आ पाएंगे हम। ओ भाई मेरे को लोग गोली ना कर दे कहीं, फेंक यार आगे, हो गया मैच, अबे भाई खत्म, बहुत मुश्किल था ये वाला,
बिल्कुल चांस नहीं दिया उन्होंने एक्चुअली गोल स्कोर करने का भी, और एक आध चांस जो बना भी था उसमें कुछ कर नहीं पाए। लेकिन ये ड्रॉ के साथ ना बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है हमको, क्योंकि ये ड्रॉ जो हो गया है तो ये ड्रॉ की वजह से हम रैंक टेबल में, मतलब पॉइंट टेबल में ऐसा लगता है मुझे और नीचे गिर गए, और इस मैच में उन्होंने बहुत ही गंदा खेला। ओके बार्सिलोना, बार्सिलोना मैच जीत गई है देखो वापस से रियल बेटिस से भी, और एल्सिल्विगो ने 0-0 रहा है, मुझे लगता है थोड़ा सा फर्क तो पड़ना चाहिए। नहीं, नंबर फोर पे हम स्टेबल हैं 8 पॉइंट के साथ, और 2 विन 2 ड्रॉ खेले हैं, जबकि बार्सिलोना ने पूरे 4 के 4 विन कर लिए वहाँ पे, और 12 पॉइंट उनके पास है और हमारे पास 8 पॉइंट है। एटलेटिको डी मैड्रिड ऐसी टीम जिसने 3 खेले, मतलब 3 जीते और 1 लॉस किया है, मतलब 1 हार गई है वो, लेकिन फिर भी इस हिसाब से भी देखा जाए तो काफ़ी लेवल ठीक ही है फिलहाल, आने वाले टाइम में पता चलेगा कि कैसा होने वाला है। तो ये था हमारा आज का एपिसोड, आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, पसंद आएगी तो फटाफट लाइक मार देना, शेयर जरूर करना दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, टिल देन सी यू एंड बाय बाय।